अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री शाह आज कर सकते हैं उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 62 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर आज दोपहर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त को समाप्त होगी। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अभी तक ऑनलाइन हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग प्रक्रिया शुरू नहीं होने से यात्रियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यात्रा के शुरू होने में अब 22 दिन ही शेष बचे हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से जून के पहले सप्ताह में ऑनलाइन हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग को शुरू करने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक इसे शुरू नहीं किया गया है। आधार शिविर भगवती नगर तैयारियां तेज। आधार शिविर भगवती नगर स्थित प्रदेश के अन्य हिस्सों में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। आधार शिविर भगवती नगर स्थित प्रदेश के अन्य हिस्सों में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज की गई हैं। जून के मध्य तक लगभग यात्रा की तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 जून के यात्रा रूटों पर लंगर संगठनों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। बालटाल और पहलगाम ट्रैक पर लगेगा 123 लंगर। इस बार पारंपरिक बालटाल और पहलगाम ट्रैक पर 123 लंगर लग रहे हैं। आगामी दिनों में जम्मू में देश भर से साधु संतों का पहुंचना भी शुरू हो जाएगा। ये साधु संत शहर का भ्रमण करने के बाद बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाते हैं। यात्रियों के लिए पुख्ता सुरक्षा के साथ अन्य बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। इन अधिकारियों को मिली है जिम्मेदारियां। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के सुचारू संचालन के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 49 अधिकारियों को विभिन्न यात्रा रूट पर कैंप निदेशक और अतिरिक्त कैंप निदेशक के तौर पर तैनात किया गया है। सभी अधिकारी मूल नियुक्ति स्थान से मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे। बोर्ड द्वारा संबंधित रूटों पर अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के तौर पर हुई है। प्रारंभिक बालटाल एक्सेस के लिए योजना विकास व निगरानी विभाग के सचिव IAS डॉक्टर राघव लंगर और राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव IAS डॉक्टर पीयूष सिंगला को पहलगाम एक्सेस का नोडल अधिकारी बनाया है।